हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 26 अक्टूबर हो गई, दिन बुधवार और हिंदी तिथि आज कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम है, लेकिन दोपहर 2:30 बजे बाद द्वितीया भी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आज गोवर्धन पूजा का भी त्योहार रहेगा और भाई दूज का त्योहार भी रहेगा। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में, देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बता देता हूँ। आपको पता होगा कल ही सूर्य ग्रहण था और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हमारे देश में भी कई जगहों पर पूर्ण रूप से दिखाई दिया, कई जगहों पर आंशिक रूप से भी दिखाई दिया। ये अलग अलग लोकेशन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ यूं दिखा ग्रहण। दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोकेशन की भी ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ग्रहण अगर आप कल नहीं देख पाए थे तो कुछ यूं दिखा था सूर्य ग्रहण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में तारामंडल में गए और वहां उन्होंने सूर्य ग्रहण देखा है ना। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के गोवर्धन पूजा के बारे में भी कुछ खास बातें बता देता हूं। जैसे आज गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो रहेगा, सुबह 6:29 से 8:43 तक लगभग 2.25 घंटे की अवधि का शुभ समय रहेगा। इस दरमियान प्रातः काल में गोवर्धन पूजा करना अति शुभ रहेगा। आपको पता होगा ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इससे हजारों जीव जंतुओं, इंसानों और गायों को भारी बारिश से बचाकर इंद्र देव के घमंड को चूर चूर कर दिया था। और उसके बाद से ही हर साल दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्या कि सूर्य ग्रहण की वजह से ये एक दिन आगे चला गया, आज है। ये घर के चौखट के बाहर गोबर से गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, राइट। गोवर्धन पूजा के त्योहार के दिन अन्नकूट भी बनाया जाता है, 56 तरह के भोग भगवान को लगाए जाते हैं, अन्नकूट भी कई जगहों पर इस त्योहार को कहते हैं। और बात करें भाई दूज के त्योहार की, तो आज 26 अक्टूबर को दोपहर 2:43 के बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी और कल 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 तक द्वितीया तिथि रहेगी। और इसलिए भाई दूज का त्योहार आज भी मनाया जाएगा और कल भी मनाया जाएगा। भाई दूज के ऊपर बहन अपने भाई की आरती करती है और उसको तिलक लगाती है, और तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा आज 26 अक्टूबर को, अगर आप भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं तो मतलब आज तिलक का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:57 से 2:42 तक विजय मुहूर्त रहेगा और विजय मुहूर्त में अगर बहने अपने भाई को तिलक लगाएगी, आरती करेगी, तो आपके भाई की हर क्षेत्र में विजय होगी। और इसके बाद शाम के समय आज भाई दूज का शुभ मुहूर्त रहेगा, 5:41 से शाम 6:07 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। और जो बहने 27 अक्टूबर को कल अगर भाई दूज मना रही है तो उनके लिए सुबह सुबह अच्छा मुहूर्त रहेगा, सुबह 11:07 से दोपहर 12:45 तक। और इसी दरमियान अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा जो बहुत ही सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो मित्रों, मैंने गोवर्धन पूजा और भाई दूज से संबंधित सारी बातें आज और कल दोनों के लिए बता दी हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार नई पहल शुरू की है। ग्वालियर में भाई दूज पर बहने भी जेल में अपने भाइयों को टीका लगा सकेंगी, इस बार ये भी इजाजत दी गई है। देश के विकास पर अच्छी खबर आ रही है कि साल 2025 से ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्ट भी शुरू कर देगा हमारा भारत, और इसके लिए भारतीय कंपनी ग्रीनको और सिंगापुर की कैपल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच एक समझौता हुआ है। वहीं देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी जल्द ही आईपीओ आएगा। सेबी की तरफ से भी इसके आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है। 500 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अच्छा, राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखों के बैन लगाने के बावजूद भी खूब पटाखे छोड़े गए और राजधानी की हवा बेहद खराब हो गई। AQI का लेवल 300 के पार पहुंच गया, प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया। और ना सिर्फ दिल्ली में यह पॉल्यूशन बढ़ा बल्कि देखिए दोस्तों, पटाखों के साइड इफेक्ट कितने ज्यादा देखने को मिले। हरियाणा राज्य में भी प्रदूषण को लेकर हेल्थ का अलर्ट जारी कर दिया। दिवाली की आतिशबाजी से 3 जिलों में रेड अलर्ट और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सांस के मरीजों को काफी परेशानी होने लग गई है। देखिए, हरियाणा में भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया, पंजाब में भी खुले में सांस लेना खतरनाक हो रहा है। 3 बड़े शहरों का AQI रात 12 बजे 500 के भी पार पहुंच गया और पंजाब के कई इलाकों में तो मास्क लगाना भी जरूरी कर दिया। इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा पटाखों की वजह से। और दोस्तों, पटाखों की वजह से ना सिर्फ केवल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है बल्कि इससे आपकी हमारी जिंदगी और भी कई तरीकों से खतरे में पड़ सकती है। जैसे देखिए आप, दिवाली पर दिल्ली में कई जगहों पर भीषण आग भी लग गई। फायर सर्विस को 201 से भी ज्यादा फोन कॉल आए। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के जरीफ नगर क्षेत्र में बच्चों ने गिलास के नीचे रखकर एक पटाखा बम फोड़ा तो इस वजह से गिलास उछली और गिलास के टुकड़े जो है ना वो रास्ते में चल रहे एक राहगीर के गले में फंस गए और इससे उसकी जान चली गई। कई बार दिवाली के त्योहारों पर बच्चों की इस तरह की घटनाओं की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है और इसलिए प्लीज मेरी सभी माता पिता से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे बच्चों को पटाखे चलाने से पहले कुछ शिक्षा दें। देखिए कुछ और ऐसी ही घटनाएं। दिवाली की रात 3 जगहों पर भीषण आग लग गई, घंटों तक धधकती रही लपटें, लाखों का सामान भी जल गया कई दुकानों में आग लगने के चलते। हरियाणा यमुना नगर में भी 26 जगहों पर आग लग गई, किसानों की गन्ने की फसल भी आग की चपेट में आ गई। और एक तो बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई, देखिए उत्तर प्रदेश के बदायूं की यह घटना है जहां दीपावली की रात पटाखा से झोंपड़ी में आग लग गई और इसमें 20 बकरियां जिंदा जल गई। मतलब देखिए दोस्तों, हम इंसानों की मौज मस्ती, पटाखों की आतिशबाजी का नतीजा बकरियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, ये तो बेजुबान मासूम जानवर हैं।
झारखंड रांची में भी देखिए एक ऐसी ही बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हो गई। बस में कंडक्टर और ड्राइवर दोनों दीपक जला करके सो गए थे और रात में उस दीपक की वजह से बस में आग लग गई और दोनों जिंदा जल गए। उत्तर प्रदेश हाथरस में भी दीपावली पर एक जिम में आग लग गई, 25 लाख के उपकरण जल गए। हरियाणा पानीपत में 18 जगहों पर अलग अलग जगहों पर आग लगी। दमकल विभाग की जो अग्निशामक गाड़ियां दौड़ती रही। तो यूं कुछ आतिशबाजी का जो माहौल होता ना, ये बड़ी ही चिंता की बात है वाकई में। प्लीज मेरी सभी देश भर के माता पिता पेरेंट्स गार्जियन से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे बच्चों को समझाएं, अच्छी शिक्षा दें और पटाखे जलाने ही है तो खाली जगहों पर मैदान में जाकर जलाएं। इस तरह से ऐसी जगहों पर ना जलाएं जहां आग लग सकती है या किसी के जान माल को नुकसान हो सकता है। और स्पेशली पटाखों के ऊपर कोई कांच का गिलास, स्टील का गिलास ऐसे रखकर छोड़ने वाली हरकतें तो बिल्कुल भी ना करें, ये सबसे बेहुदा हरकतें हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आम आदमी के लिए महंगाई पर एक और बड़ी बुरी खबर आ रही है कि घर बनाना अब और महंगा हो सकता है क्योंकि सीमेंट कंपनियां अपनी कीमतों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर सकती हैं। क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि हालिया सीमेंट बनाने की लागत में कंपनियों के लिए कीमतों में इजाफा हुआ और इसलिए अपनी कॉस्ट की भरपाई के लिए कंपनियां ये बोझ भी अपने ग्राहकों पर डाल सकती हैं और 6-8% तक कीमतें बढ़ सकती हैं। अच्छा अब आप क्रिकेट का मजा फेसबुक रील्स में भी ले पाएंगे। दरअसल ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और मेटा कंपनी के बीच एक समझौता हुआ है और आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप मैच को आप फेसबुक रील्स में भी उसके बेस्ट मोमेंट्स जो होंगे ना हर पल को एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा कल ही व्हाट्सएप की भी सर्विस डाउन हो गई, लगभग 1.5 घंटे तक व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया। दोपहर 12:30 बजे ये समस्या आई थी। दुनिया भर के कई देशों में सर्वर डाउन रहा, भारत में भी राजस्थान मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में यूजर्स को शिकायतें मिली कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। हालांकि 2.5 घंटे बाद कंपनी ने अपने सर्वर को वापस ठीक कर दिया। क्या कल आपको भी ये व्हाट्सएप में मतलब दिक्कत आई थी क्या, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्त। अच्छा अगला अपडेट देखिए, हरियाणा से 11 शहरों के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू होगी। साल 2023 में एविएशन हब शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम में हेली हब बनाने के लिए भी केंद्र सरकार सहयोग करेगा। वहीं देखिए पंजाब सरकार का कहना है कि जल्द ही सड़कों को टोल फ्री कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि लाडोवाल और शंभू टोल प्लाजा पर भी सरकार की नजर है और सड़कों पर टोल टैक्स के बजाय और एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी ताकि लोगों को कम टोल देना पड़े। अच्छा टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है, अब इंस्टाग्राम में आप अपनी प्रोफाइल में म्यूजिक और इस तरह के मल्टीमीडिया की चीजें भी ऐड कर पाएंगे। आपका जो प्रोफाइल पेज होता ना उस पर आप फीचर्ड गाने वगैरह भी जोड़ पाएंगे। इस तरह का भी नया फीचर जल्दी इंस्टाग्राम लेकर आ रहा है और यूट्यूब ने भी कई नए फीचर्स की घोषणा की है। जैसे कि यूट्यूब वीडियो को देखते हुए अब आप जूम कर पाएंगे, मतलब वीडियो में कोई चीज अगर आपको जूम करके देखनी है ना तो जिस तरह से हम गैलरी में फोटो को जूम करते हैं ना उस तरह से यूट्यूब वीडियो में भी आप जूम कर पाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब का कहना है कि वो अपने इंटरफेस के थीम वगैरह में भी कुछ बदलाव करेगा। जैसे कि थंबनेल्स के कॉर्नर अब आपको राउंड शेप में नजर आएंगे, बिल्कुल स्क्वायर नहीं बल्कि थोड़े से राउंडेड नजर आएंगे और लाइक के बटन्स वगैरह के ग्राफिक्स को भी कुछ यूं डिजाइन किया गया है। तो ये नए अपडेट जल्दी आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पर देखने मिलेंगे ना। अच्छा शेयर मार्केट से बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि देश में तेजी से शेयर मार्केट के इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। जुलाई और सितंबर क्वार्टर महीना बहुत ही अच्छा खास रहा, 48 लाख से भी ज्यादा नए डीमैट अकाउंट्स खुले जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में। वैसे दिवाली के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट भी देखी गई। सेंसेक्स 287 पॉइंट गिरकर 59,543 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 74 अंक टूटा। ब्रिटानिया और कोटक बैंक के स्टॉक टॉप लूजर रहे। हालांकि शेयर बाजार में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया। एक तो एंकर निवेशकों की लॉक इन अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया और इसके साथ ही निकासी की सीमा को भी 50% तक तय किया। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ ये रूल्स सेबी की तरफ से बदले गए और इसके अलावा गोल्ड ट्रेडिंग को लेकर भी एक बड़ा बदलाव करने जा रही है सरकार। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर EGR सर्विस लॉन्च हुई है। EGR का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट और ये सर्विस शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद है कि गोल्ड की भी ट्रेडिंग अब ऑनलाइन आसानी से हो पाएगी। साथ ही सोने की बेहतर कीमत और गुणवत्ता को बनाए रखने में भी ये नया सिस्टम मदद करेगा है ना। और अगला अपडेट देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक का पहला संबोधन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वादा करता हूं मैं सत्य निष्ठा और विनम्रता के साथ आपकी सेवा करूंगा। तो आखिरकार फाइनली ये तय हो चुका है, भारत वंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रोब होंगे और वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जेरेमी हंट ही बने रहेंगे। और ये PM बनने के साथ ही ऋषि सुनक के नाम एक और रिकॉर्ड बन चुका है कि ये 200 साल के इतिहास में UK के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ऋषि सुनक के PM बनने पर बॉलीवुड बादशाह अमिताभ बच्चन ने अनोखे तरीके में रिएक्शन देते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को मिला भारतीय वायसराय, मतलब अंग्रेजों के ही टोन में उनको बधाई दी। इसके अलावा ब्रिटेन की जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर थी ना लिज ट्रस, उन्होंने भी कहा कि मुझे उम्मीद है ब्रिटिश नागरिकों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। और साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो बाइडेन भी बोले कि अश्वेत का PM बनना एक मील के पत्थर जैसा है। यानी ऋषि सुनक के PM बनने के बाद भारत के साथ साथ पूरे ब्रिटेन में भी लोग बाग काफी खुश हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए, झारखंड राज्य में आज बुधवार को तो खुलेंगे सरकारी दफ्तर लेकिन गुरुवार को चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी रहेगी, सरकारी छुट्टी रहेगी कल। वहीं देखिए पति पत्नी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट
की तरफ से एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया कि पत्नी अगर पति को बिना सबूत के वुमनाइजर या शराबी कहे तो इसे भी क्रूरता माना जाएगा। यानी कि बिना सबूत के आधार पर कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगा सकती है और इस तरह के टोंट भी नहीं कर सकती है। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सितरंग तूफान की वजह से बांग्लादेश में 24 लोगों की जान चली गई, असम और बंगाल में भी झमाझम बारिश देखी गई, साथ ही मेघालय और मिजोरम राज्य में भी तेज हवाएं जारी हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तूफान के दस्तक की। भारत में भी सितरंग तूफान ने अपनी दस्तक दे दी है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने भारत के 4 राज्यों में इस तूफान का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया और ये अलर्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जारी किया है। असम राज्य में देखिए, चक्रवात सितरंग की वजह से भारी तबाही मची, आंधी में कई घर भी बर्बाद हो गए, कई सारे पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। और इसी बीच संपूर्ण भारत का 26 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह में भी बारिश की संभावना है। चलिए मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करें तो बड़ी राहत की बात है, भारत में काफी दिनों बाद बहुत कम कोरोना के नए मामले आए। पिछले 24 घंटों के दौरान 862 नए संक्रमित मामले आए और अभी सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है, 22,549 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की भी टेंशन बढ़ गई क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक स्टारर खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। टीम के स्टार लेग स्पिनर एडम अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके चलते श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से भी वो बाहर हो गए हैं। चलिए दोस्तों, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सभी चिकित्सकीय विषय अब MBBS के अंतिम वर्ष में पढ़ाए जाएंगे, यानी कि फाइनल ईयर में पढ़ाए जाएंगे और इसके साथ ही अब MBBS का फाइनल ईयर जो होगा ना वो 18 महीने का होगा, यानी 1.5 साल का होगा, बाकी सभी ईयर 12-12 महीने के होंगे। तो इस तरह का बदलाव मध्य प्रदेश में MBBS मेडिकल की पढ़ाई को लेकर सरकार करने जा रही है। हाल ही में आपको पता होगा MP में हिंदी में MBBS की पढ़ाई भी शुरू हुई थी, तो इसमें भी अब सरकार एक और प्लान बदलाव करने की योजना बना रही है, जैसे कि हिंदी में प्रथम और द्वितीय वर्ष की हिंदी पुस्तकों का संशोधन हो सकता है। हालांकि इसके लिए छात्रों से फीडबैक लिया जाएगा, तो ये कुछ MP गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और वहीं देखिए, राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूलों में शुरू होगी बाल वाटिका, टीचर्स की पद स्थापना प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, 26 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। राज्य सरकार की ओर से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की जा रही है। और हरियाणा में देखिए, राजकीय कॉलेज व HAU के बीच एक विवादित जमीन के मामले का सोल्यूशन हो चुका है, अब वहां पर 10 एकड़ में लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिला स्तरीय पुस्तकालय होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का और इससे भी बच्चों को पढ़ाई में फायदा मिलेगा। वह देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI में राजस्थान समेत कई राज्यों में देश भर में वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 1422 पदों पर भर्ती होगी, 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफिशियल SBI के पोर्टल SBI.CO.IN पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, NCMC कार्ड से अब आप देश भर के मेट्रो में सफर कर पाएंगे, यात्रियों को इस तरह की नई सुविधा मिलेगी और इस कार्ड के जरिए किराए में भी आपको 10% तक की छूट मिलेगी। दरअसल देश भर में मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। और बात कुछ यूं है ना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से एक विशेष तरह का कार्ड बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC। और इस कार्ड के जरिए ना सिर्फ आप UP कानपुर वगैरह में मेट्रो में सफर कर पाओगे बल्कि ये कार्ड पूरे देश भर के मेट्रो में चलेगा। दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, कहीं भी चले जाओ आप सभी जगहों पर मेट्रो में इस कार्ड के जरिए सफर कर पाओगे और कार्ड से टिकट लेने पर आपको 10% तक छूट भी मिलेगी। यूपी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है और बहुत जल्द आपको ये कार्ड मिलना भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया और कहा कि 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। हाल ही में जो नक्सल हिंसा में मृत आम नागरिकों के जो परिजन है उनको ये मुआवजा देने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया। अच्छा, केदारनाथ मंदिर में देखिए दोस्तों, एक कारोबारी की भक्ति, केदारनाथ मंदिर के लिए 230 किलो सोना दान किया उन्होंने। ये मुंबई के एक व्यापारी है जिसने इतना सोना दान किया, लगभग 250 किलो कह सकते हैं इसको, 2.5 क्विंटल सोना हो गया, 230 किलो। तो और इस सोने के द्वारा केदारनाथ के गर्भ गृह में दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। वाकई में इनकी श्रद्धा को धन्यवाद। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, महिलाओं की वैवाहिक उम्र बढ़ाने के बिल पर जो समिति विचार कर रही थी उसका कार्यकाल सरकार ने 3 महीने बढ़ा दिया। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने ये प्लानिंग बनाई थी कि लड़कियों की शादी की उम्र को भी 21 साल की जाए, जो अभी 18 साल है, तो इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा, राजधानी दिल्ली सरकार ने छेड़ा प्रदूषण के खिलाफ युद्ध, सड़कों पर उतारी 150 मोबाइल एंटी स्मोक गन जिनके जरिए पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। अच्छा, अगले महीने नवंबर की बैंक हॉलीडेज पर भी खबर आने की, लगभग 10 दिन बैंक हॉलीडे रहेगी। RBI की तरफ से नवंबर बैंक हॉलीडेज की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, मैं एक एक को तो बोल नहीं सकता, काफी ज्यादा लंबा लग जाएगा। 2nd, 4th सैटरडे के अलावा संडे 4 के लगभग आ जाएंगे, तो 6 छुट्टियां तो ये हो गई और कुछ त्योहार भी रहेंगे, इसके चलते अलग अलग लोकेशन पर बैंकों की छुट्टियां रहेगी। वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, मर गया दुनिया का सबसे गंदा आदमी, 50 साल से ये आदमी नहीं नहाया था, ईरान का रहने वाला था ये एक व्यक्ति,
94 साल की उम्र में कल मंगलवार को इसकी जान चली गई और इसको डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का सबसे गंदे आदमी का खिताब मिला हुआ था। इस व्यक्ति का नाम अमो हाजी था। मौत की वजह प्राकृतिक कारणों को ही बताया जा रहा, लेकिन ये शख्स पिछले 50 सालों से नहाया नहीं था और कुछ जगहों पर यह भी दावा किया जा रहा है कि अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले यह नहाया था और उसके बाद ही इसकी जान चली गई। खैर जो भी हो, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी तो यही दुआ है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक कार से आप हवाई सफर भी कर पाएंगे, यानी कि जल्दी उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कारें आपको देखने मिलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनाने वाली कंपनी आर्चर एविएशन का कहना कि साल 2024 के आखिर तक ये कंपनी मार्केट में कमर्शियल लेवल पर 250 लगभग बैटरी से चलने वाली एयर टैक्सी उतारेगी, है ना। और वही देखिए, राजधानी दिल्ली में संपत्ति कर बकायेदारों को एलजी का तोहफा, बकाया माफ करने के लिए लॉन्च की समृद्धि योजना। दरअसल राजधानी के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से समृद्धि योजना शुरू की गई है, जहां जिन लोगों की संपत्ति का कर यानी कि टैक्स जो है ना, कॉलोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिक अगर 6 और 7 साल का बकाया संपत्ति कर जमा कराएंगे तो बीते 12 और 11 साल का बकाया के साथ उसका जुर्माना भी माफ कर दिया जाएगा। ये मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। वह देखिए, मध्य प्रदेश में 24,000 शिक्षकों को मनचाहा ट्रांसफर मिला, 43,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, 5 नवंबर तक पोस्टिंग भी हो जाएगी। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर का लगभग आधा काम पूरा हो चुका है और खबर आ रही दोस्तों कि साल 2024 से ही राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2024 में मकर संक्रांति से ही भगवान रामलला के आप दर्शन कर पाएंगे, 30 फीट दूरी से रामलला देखने का मौका मिलेगा आपको। और ये मतलब लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जो राम मंदिर निर्माण का भी काम चल रहा ना, उसकी आधा काम पूरा हो चुका है। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, हेल्थ रिसर्च पर खबर आने की दुनिया की 52% आबादी सर दर्द से परेशान है। रोजाना लगभग 15% लोग सर दर्द की समस्या से जूझते हैं और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। मेडिकल टर्म्स में इसे माइग्रेन कहा जाता है। माइग्रेन एक समस्या है, अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में तो सर दर्द कहते हैं, यार माथा दुख रहा आज मेरा, लेकिन इसको मेडिकली टर्म्स में माइग्रेन कहा जाता है। हाल ही में नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने सर दर्द के मरीजों के डेटा को लेकर यह बड़ा खुलासा किया है। वैसे अगर आपका भी सर दर्द होता है तो आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जैसे गर्म पानी नींबू का रस मिलाकर आपको पीना चाहिए, एप्पल सेब पर थोड़ा नमक डालकर खाएं, तुलसी और अदरक का रस पिएं, नींबू चाय पिएं, लेमन टी जो आती है वो, और बाकी आप योगा करें रेगुलरली, मेडिटेशन वगैरह करें, तो इससे भी आपको सर दर्द में राहत मिलेगी। दिमाग में फोकट का टेंशन तनाव वगैरह ना रखें, क्योंकि टेंशन की वजह से भी ज्यादातर सर दर्द होता है। और असंतुलित आहार ना लें, पर्याप्त नींद लें, ये कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करके आप जिंदगी में सर दर्द की समस्या से राहत पा सकते हैं। ओके दोस्तों मित्रों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नाम क्या है, कमेंट में लिखिए, देखिए कितने लोगों को पता है। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप कभी कोई काम की खबरें और डेली के न्यूज अपडेट मुख्य समाचार मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।